आपका एक नंबर सवाल है, कौन सा फूल कीचड़ में खिलता है? आपका ऑप्शन है ए सूर्यमुखी, बी गेंदा, सी गुलाब, डी कमल। दोस्तों, इस सवाल का जवाब अगर आपको पहले से पता है तो कमेंट में बताइए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कमल। आपका दो नंबर सवाल है, सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना है? आपका ऑप्शन है ए 500 डिग्री सी, बी 600 डिग्री सी 6000 डिग्री सी, डी 60000 डिग्री सी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6000 डिग्री सी। आपका तीन नंबर सवाल है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? आपका ऑप्शन है ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अफ्रीका। आपका चार नंबर सवाल है, भगवान महावीर जैन का जन्म कहां पर हुआ था? आपका ऑप्शन है ए वैशाली, बी पावापुरी, सी लुम्बिनी, डी राजगृह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वैशाली। आपका पांच नंबर सवाल है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए रदरफोर्ड, बी चैडविक, सी गोलरस्टीन, डी अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रदरफोर्ड। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों सबसे पहले मिलते रहे। आपका अगला सवाल है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए तारापुर में, बी उदयपुर में, सी हैदराबाद में, डी रांची में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तारापुर में। आपका सात नंबर सवाल है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? आपका ऑप्शन है ए 300 ई पूर्व, बी 483 ई पूर्व, सी 326 ई पूर्व, डी 563 ई पूर्व। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 326 ई डॉट पूर्व। आपका आठ नंबर सवाल है, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। आपका नौ नंबर सवाल है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 3%, बी 3.5%, सी 4%, डी 4.5%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3.5%। आपका 10 नंबर सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क में, बी आबू धाबी में, सी जेनेवा में, डी नई दिल्ली में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी
जेने आमिर। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए, अगला सवाल स्क्रीन पर है। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गया था? आपका ऑप्शन है ए 1905, बी 1908, सी 1911, डी 1947। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1911। आपका 12 नंबर सवाल है। विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए दिसंबर 2002 को, बी 3 दिसंबर को, सी 5 दिसंबर को, डी 23 मार्च को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3 दिसंबर को। आपका 13 नंबर सवाल है। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी श्रीलंका, सी इंडोनेशिया, डी कनाडा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कनाडा। आपका 14 नंबर सवाल है। भारत पाक सीमा रेखा को क्या नाम से जाता है? आपका ऑप्शन है ए रेडक्लिफ लाइन, बी मैकमोहन रेखा, सी डूरंड रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रेडक्लिफ लाइन। आपका 15 नंबर सवाल है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? आपका ऑप्शन है ए टका, बी यांग, सी क्या, डी रूबल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्या। दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आपका अगला सवाल है, कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है? आपका ऑप्शन है ए जिराफ, बी खरगोश, सी चूहा, डी प्लैटिपस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्लैटिपस। आपका 17 नंबर सवाल है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए अलमारा, बी राजा हरिश्चंद्र, सी पुंडलिक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अलमारा। आपका 18 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? आपका ऑप्शन है ए 9 जनवरी 1914 को, बी 9 जनवरी 1915 को, सी 9 जनवरी 1916 को, डी 9 जनवरी 1911 को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 9 जनवरी 1915 को। आपका 19 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 15 जनवरी को, बी 26 जनवरी को, सी 15 अगस्त को, डी 8 अक्टूबर को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 8 अक्टूबर को। आपका 20 नंबर सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? आपका ऑप्शन है ए ज्योति बसु, बी प्रतिभा पाटिल, सी सरोजिनी नायडू,
डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या होगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं एक नए नॉलेजफुल वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।